सुबह के बज रहे हैं 8:30। नाश्ता मैंने अभी बनाया नहीं, थोड़ा लेट ही उठी हूँ आज फिर मैं, तो अभी नाश्ता बनाती हूँ। तो मैं अभी उठ के मतलब गर्म पानी पिया है, लेट तो नहीं उठी हूँ, 7:30 बजे उठ गई थी, तो गर्म पानी वाला पिया है नीचे रूम में बैठ कर। उसके बाद मैं अभी आई हूँ ऊपर, तो क्योंकि रात को मैं जल्दी चली गई तो किचन थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ था, किचन को थोड़ा साफ़ किया, क्योंकि मेड थोड़ी लेट ही आएगी, 9, 9:30 बजे 10 बजे तक आती है, तो तब तक मैंने किचन विचन थोड़ा सा साफ़ करके रख दिया खुद से। और अभी मैं पी रही हूँ हनी लेमन, मैंने कहा थोड़ा पहले बैठ के हनी लेमन पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। नोनी को इन्होंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था, तो नोनी नाश्ता करके जा चुका है स्कूल, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज मैथ्स का एग्ज़ाम है उसका। तो देखिए ये मेरा हनी लेमन है, तो ये इस तरह से मेरे को ना हनी लेमन बना के देते हैं। हनी लेमन, जिंजर, काली मिर्च, पता नहीं क्या क्या डाल के इसमें रहता है, इसमें हनी रहता है, लेमन रहता है, ब्लैक पेपर रहता है और जिंजर रहता है, तो और गर्म पानी में डाल के, तो इस तरह से ये इस तरह से मैं कभी रोज़ नहीं पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ मैं, तो आजकल पी रही हूँ। तो खुद का इनका रहता है हनी, हनी शायद हनी जिंजर टर्मरिक पाउडर, ये सब मिला के इनका और आमा का अलग से बनता है, मेरा अलग से बनता है। तो इस तरह का हम लोग सुबह सुबह उठ के कभी, मैं तो कभी पीती हूँ, लोग तो रोज़ ही पी लेते हैं। तो इस तरह से आज का मैंने जो ब्लॉग है सुबह स्टार्ट कर दिया, मैं आज सोच रही हूँ आप कंटिन्यूसली थोड़े ब्लॉग्स बनाऊँ, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ब्लॉग जो है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, मैं आपको आज कुछ ज़रूरी एक बात बताने, मतलब एक बात खुशखबरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी वो शेयर करने वाली हूँ। पूरे का थाली देखो सामने से, ये दावत करेली में से प्याज छाँटती हुई, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके ना, मैंने जो आप लोगों को बताया था मेरे पास एक खुशखबरी थी, वो खुशखबरी क्या थी कि मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया है, तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मतलब 4-5 दिन हो गए मुझे मेल आया था कि मोनेटाइज हो गया है चैनल, तो मेरे को कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि मोनेटाइज, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो करके, तो फिर मैंने कल किसी को भेजा था वो मेल, तो उन्होंने बोला कि हाँ चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो इन लोगों ने उसी दिन जिस दिन मेरे को मेल आया था उसी दिन दोनों ने ना, फादर डॉटर दोनों ने मिलकर मेरे लिए गिफ्ट गिफ्ट ऑर्डर किए थे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मैं आपके लिए, हमने आपके लिए कुछ ऑर्डर किया करके। तो फिर है, फिर इन लोगों ने मेरे को वहाँ से दिल्ली से भी जाके काफ़ी सारा कुछ शॉपिंग करके लाया था, जिसमें से कि मैंने एक परफ्यूम कल दिखाया था आप लोगों को, जो परफ्यूम था किसका था, वो कौन से ब्रांड का था, बाथ इन बॉडी का एक परफ्यूम लाया था, क्योंकि लोग मेरा परफ्यूम जो था इनको मिला नहीं था, वो दागन ने अभी मेरे बर्थडे के लिए देगी क्या तुम, तो जो परफ्यूम मैंने बस अपने फ्रेंड को बोल रखा डेली मैंने मेरा, अरे रुक जाओ क्यों नोच रहे हो अभी से। अच्छा देखो मुझे डांट रही है ये, मैंने ना कल से ये पार्सल आया हुआ है, ये जो उन्होंने गिफ्ट मंगाया था, और मैंने इतना कंट्रोल करके रखा, मैंने खोला नहीं इसको, ये इन्होंने, ये तुमने मेरे को मोनेटाइजेशन का उसमें दिया गिफ्ट है क्या, मोनेटाइजेशन होने की खुशी में, तो अच्छा मेरा जो चैनल मोनेटाइज हो गया तो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है ये, तो इसमें देखते चले क्या है इसके अंदर, अब नोचूँ। अच्छा तो चलिए फ्रेंड्स खोलते हैं इस गिफ्ट को, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो तूने तो बोले क्यों नोच रही हो, तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर ना, वैसे तो मुझे पता है क्या है इसके अंदर, बैग है इसके अंदर, मगर फिर भी मैं देखती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बैग है। तो मेरे को बैग लेना ही था एक्चुअली, मैंने देखा था उसमें मेरे को उसका पसंद आया था, गैस का एक बैग पसंद आया था, तो इन लोगों ने बोला उसको लेने से बेटर है कि मैं ये थोड़ा सा अच्छा ही ले लूँ, डॉक्टर को जो पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो तुम्हारी पसंद से अपन ने कुछ भी गिफ्ट रैप नहीं किया उसने, ठगा दे कहाँ पैक रैप है कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके अंदर से निकला है ये, तो ये देखिए ये इन्होंने मेरे लिए इसमें से दामिलानों का बैग मंगवाया है, अनबॉक्सिंग में दागर कर रही है, क्योंकि ये दागर कह रही है कि मैं बहुत बुरी तरह से अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो ये दागर अनबॉक्सिंग कर रही है। तो देखिए इसके अंदर से निकलने वाला है बैग, पता नहीं किस तरह का बैग है, तो दागर लोगों की चॉइस का दागर। तो ये बैग ना इस तरह से खुलना था, इस लड़की ने पता नहीं क्या क्या किया इसके संग, अब खुला है बैग ये, तो ये देखिए तो ये निकलेगा इसमें से बैग। वही अच्छा पैकिंग पसंद है, बैग्स पसंद है मेरे को, तो दामिलानो के बैग्स पसंद है, मेरे पास जो पहले से ही जो बैग है वो भी दामिलानो का ही है, और उसका जो मेरे पास वॉलेट है वो भी दामिलानो का ही है, तो उन्होंने मेरे को फिर से मंगाया दामिलानो का ही बैग, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा लग रहा है यार, नहीं चाहिए था ना, नहीं चाहिए था, लुकिंग गुड यार, अच्छा लग रहा है। तो ये है, इसमें मेरा मुझे लगा अंदर से खोल के दिखाना कितना स्पेस है इसमें, उन्होंने तेरे को पैकिंग के 25 रुपये दिए, पैकिंग तो कुछ करा नहीं, मैं तो गलत बात है, अरे वो मेरा बात है, उसमें गिफ्ट पैक करके देंगे, जो छोटा मोटा सामान है उसको देंगे, वो भी गिफ्ट पैक करके, कितने गंदे हैं, हाँ कितना देखना स्टफ ही अलग है इसका, देख है ना सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बैग, तो काफ़ी इसमें अंदर ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, तो अच्छा बैग है, सुंदर है बैग काफ़ी, मेरे को इसका पसंद आया, स्पेस है अच्छा खासा, तो जिस तरह का मुझे चाहिए था उसी तरह का इन्होंने मेरे लिए मंगवाया है, आई लाइक इट दागा, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो ये है मेरा बैग, इस तरफ से भी इसमें एक पॉकेट है, यहाँ अंदर तो काफ़ी सारे पॉकेट्स सही है इसमें, और ये फ्रंट इसका है, फ्रंट में भी जैसे हम लोग चलते फिरते मोबाइल वगैरह यूँ रख दिया, और काफ़ी डीप पॉकेट है कि मोबाइल इसमें आराम से आ जाएगा, तो इस तरह से ये बैग है,
तो एक तो ये मेरा एक गिफ्ट ये हो गया, नेक्स्ट मंथ बर्थडे है ना मेरा, तो इसलिए लोग मेरे को बहुत बर्थडे गिफ्ट के चक्कर में दे रहे हो, तुम बर्थडे के चक्कर में दे रहे हो या मेरे बीमार होने के इसमें दे रहे हो, जो आपको समझ में आए समझ लो। तो ये देखिए फिर एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये इन लोगों ने मेरे लिए लाया, स्केचेस के शूज़ थे मेरे, एक्चुअली क्या है कि शूज़ मैंने पूमा के जो लिए थे वो दागर ने ले लिए थे, तो फिर मेरे पास शूज़ नहीं थे थे अभी एक और जो प्यूमा का जो ब्लैक कलर का जो मैं पहन रही थी वो दागर आजकल कोट पहन के जा रही है, वो दागर को क्योंकि जो वैलीज़ है वो पहन के थक जा रही है, तो मैंने कहा मेरे शूज़ पहन ले ब्लैक कलर, इसके पास ब्लैक कलर के नहीं थे, इसके पास सारे मल्टी कलर है, वाइट कलर है, इस तरह के कलर्स हैं, और स्केचेस का इसका ग्रे कलर है तो वो नहीं पहन रही, तो ये मेरा ब्लैक कलर का शूज़ पहन के जा रही है, तो इन्होंने मेरे लिए ये लेके आया, तो मेरे को ब्राइट कलर्स पहनने का मन कर रहा है, पता नहीं बुढ़ाते बुढ़ाते ना बुढ़ाते बुढ़ाते कलरफुल होते जा रही हूँ मैं ना, देखिए इस तरह के चटकीले से जूते मेरे को ब्राइट पसंद है करके दागर में, ये भड़कीला सा जूता लेके इसको भेज रही है, तो ये मेरे को ये लाया क्योंकि मेरे पास पहले पहले सेम टू सेम एडिडास में था यही कलर, इससे भी ब्राइट था वो वाला पिंक, तो इससे भी ज़्यादा ब्राइट था और बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ थे उसके, नहीं ज़्यादा ब्राइट था, मैंने कल पिक्चर में देखा था अपना आगरा वाले, तो देखिए इसका जो सोल है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत बेस्ट है इसका सोल, तो रनिंग एंड ऑल सबके लिए मेरे वॉक वॉक के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये शूज़, तो ये है, तो ये लाए थे, फिर एक इन्होंने मेरे को परफ्यूम लाया था, एक इन्होंने मेरे को H&M से ड्रेस लाई थी, वो वाली ड्रेस मैंने भी ऑल्ट्रेशन के लिए दी हुई है, क्योंकि H&M वाले क्या कि H&M की जो ड्रेसेज होती है सब लूज़ में होती है ना, लूज़ पैटर्न रहता है, तो मुझे लूज़ नहीं पसंद है, तो फिर मैंने वो करवा दिया, तो इस तरह से मेरे को गिफ्ट आ रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, नेक्स्ट मंथ मेरे बर्थडे में ये लोग मुझे मेरे परफ्यूम गिफ्ट करने वाले हैं, है ना। हाँ हाँ मैंने बोल रखा है दो तीन लोगों को मिल जाएगा अगर मिलेगा तो चलिए फ्रेंड्स आज पता क्या, फिर मुझे ना चलिए मैं कैमरा टर्न करके बताती हूँ अपनी शक्ल दिखाते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह से था जो मेरा गिफ्ट इन लोगों ने लाया था ना, और क्या लाए थे तुम लोग मुझे, यही था हाँ, एक उन्होंने मेरे को मोबाइल कवर भी लाया था, वो मेरे मोबाइल में लगा हुआ, तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, हाँ मैं मोबाइल में दिखाती हूँ, मिरर में खड़े होकर, राइट, तो मोबाइल कवर भी लाए थे लोग मेरे लिए, तो ये देखिए ये है, हाँ ये नहीं कहाँ दिखेगा यहाँ, तो मेरे तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है मेरा मोबाइल कवर, वाइट कलर का ये लोग मेरे लिए मोबाइल कवर लेके आए, मेरे पास मोबाइल कवर ना था नहीं, मतलब मैं जहाँ भी ढूंढने जाती मुझे कभी नहीं मिलता था, तो ये लोग लेके आए हैं, इसमें क्या कहते हैं वो है वाइट कलर का है, तो मेरे पास जो पहले जो मोबाइल के साथ कवर आया था ना वही मैंने लगाया था, और उसका जो कलर था फेड होके मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी ना ब्राउन हो गया था उसका कलर, ब्राउन कलर का हो गया था वो, तो ये लोग मेरे को ये वाला कवर लेके आए, मुझे बहुत पसंद आया ये, तो इनको इतनी सारी चीज़ें लाई हुई है मैं, तो फ्रेंड्स इस तरह से है मेरे गिफ्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाए, तो फिर मैंने अभी हल्द्वानी के लिए निकल रही हूँ क्योंकि 12 बजे मेरे को डॉक्टर मिलने वाले हल्द्वानी में, तो मेरा ये जो था ना ये हुआ नहीं है, इसमें ना यहाँ पे एक इंजेक्शन लगा था उस दिन, इतना खतरनाक नीला ही पड़ गया था पूरा ये एरिया, फिर आज फिर से मेरे यहाँ पे इंजेक्शन लगने वाला है, तो पता नहीं कितना नीला, तो फ्रेंड्स ये ना मेरे को ना हल्द्वानी बोला यहाँ से डॉक्टर ने, मैंने यहाँ पे जो टेस्ट करवाया था उसका पता नहीं कुछ पता नहीं चल रहा उसमें भी, तो फिर मेरे को हल्द्वानी के लिए इन्होंने बोला है कौन से डॉक्टर पता नहीं कौन से उसमें बोला था पता नहीं कौन से किसी उसमें बताया उन्होंने, एक डॉक्टर है जिन्होंने यहाँ मेरा टेस्ट करवाया था, प्रियांशु उनके सीनियर डॉक्टर, तो उनके पास इन्होंने मुझे भेजा है, अब वो टेस्ट करके फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या है, तो चलिए आज फिर यहाँ पे मेरे को इंजेक्शन लगाने के लिए मेरे को तैयार होना ही पड़ेगा, वरना कब तक मैं इसको लेके घूमती रहूँगी ऐसी, तो चलिए अब इसके बाद मिलते हैं रस्ते में, हल्द्वानी के लिए निकलते हैं, तो फ्रेंड्स मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, मैं बहुत 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 खुश हूँ आप सभी के सहयोग से, मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हुआ है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही कॉपरेट बोलते हैं ऐसे ही कॉपरेट करते रहिए, मेरा ना प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, लोग मेरे को टोकते रहते हैं हर बार मेरे प्रोनाउंसिएशन पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, 11:30 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी के लिए, बारिश पड़ रही है नैनीताल में, बूंदाबांदी हो रही है, एक्चुअली हम लोग गलत आ गए, हमको उस साइड से जाना था बट हम लोग इधर आ गए मॉल रोड की साइड में, और मॉल रोड की साइड में जो है जाम लगा हुआ है काफ़ी सारा, तो बहुत स्लो गाड़ी चल रही है, और 12 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, तो देखिए अब कितने बजे पहुँचेंगे, आई थिंक लेट ही पहुँचेंगे हम, टाइम से तो नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा देर में ही पहुँचेंगे, तो चलिए देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की सी बूंदाबांदी, मतलब काफ़ी 10 बजे से पड़ना शुरू हो गई थी हल्की हल्की बूंदाबांदी, 10 बजे एक टाइम में बहुत तेज़ बारिश हुई थी ऐसे, उसके बाद से बूंदाबांदी सी हो रही है, तो हम लोग इस साइड से आ गए हैं, मैं एक्चुअली जा रही थी हाई कोर्ट की तरफ, पहुँच चुकी थी मैं पैदल पार्किंग की तरफ जा रही थी, तो मैंने बोला इनको कि जाम नहीं लगा हुआ, तो ये गाड़ी मोड़ के इधर को ले आए, बट इधर को जाम ही था, तो हम लोग ये स्लो चल रहे हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से, और गाना बज रहा है मुझे तुम याद करना मुझको याद आना तुम, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, मेरा फेवरेट गाना है, ऑल टाइम फेवरेट, मतलब बहुत सारे पुराने गाने हैं जो मुझे फेवरेट है, तो ये भी उनमें से एक है, ब्यूटीफुल नैनीताल। बारिश का मौसम बना हुआ है नैनीताल में,
अच्छा सा वेदर है, बहुत ठंडा। पिछले दिनों जो गर्मी थी मतलब उससे राहत काफ़ी मिली है। तो ये हम लोग नैनीताल मॉल रोड की तरफ एंटर कर गए हैं। ये है रिक्शा स्टैंड, देखिए बहुत ही प्यारा सा, जो मैंने कल के वीडियो में भी दिखाया था ना, जो कलाकृति हुई है पत्थर की, जो कलाकृति हुई है इनमें। तो हमारे जो DM साहब हैं धीराज गर्ब्याल जी, उन्होंने ये सब इस तरह से मतलब पुरानी शैली का जो काम है ये इस तरह का करवाया है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा। तो जो वहाँ पे वो वाला रोड है जो मुझे पसंद है, वो चढ़ाई वाला जो रोड है, उसमें भी ये सारा काम इस तरह से, मतलब जब से रेनोवेट हुआ तब से पसंद है, उससे पहले उतना पसंद नहीं था, अब से बहुत अच्छा लगता है। वो रात में भी जब आते हैं तो लोग वहाँ फोटो शोटो खींच रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा है। और मॉल रोड पर तो जाम रहता ही है आजकल, हम बेवकूफ़ों की तरह इधर को आ गए, मेरी गलती है, मैंने इनको कहा कि इधर आ जाएँ, मैं खुद उधर को नहीं गई, मैंने इनको इधर को बुला दिया, तो इस वजह से फिर इस तरह से हम लोग मॉल रोड से निकल रहे हैं। जाम है पर इतना भी नहीं, पर मेरे को कितना हो रहा है टाइम, 11:25 हो गए। तो देखिए मॉल रोड का नज़ारा, अपर मॉल रोड नैनीताल, शॉप्स है साइड में, मतलब अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। इस तरह से है मॉल रोड का जो व्यू है। हेलो सिक्के पड़े थे इसमें होंगे, मैं देखती हूँ, तो मेरे को तो हिलना डुलना भी, रुको आप सीधे चलो मैं खुद देखूँगी। तो देखिए लेक है, शुक्र है खाली है मॉल रोड, खामा खा फिर परेशान हुए जा रहे थे कि जाम है जाम है जाम है, कोई नहीं जाम, थोड़ा बहुत तो लगता ही है उन जगहों पे, तो उस तरफ से भी लगना ही था जाम, हो उस तरफ से नहीं होता क्या जाम, बारा पत्थर की तरफ उधर भी तो रॉन्ग साइड आ रहे हैं, छोड़ दो ना उसको, उसकी मर्जी, महाकाल का भक्त। तो फ्रेंड्स हम लोग ना हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, और क्या कहते हैं जो मेरा वो जहाँ पे मेरा टेस्ट होना है, वो कौन सी जगह है, क्या नाम था जगह का, लाइफ लाइन में टेस्ट होना है मेरा, तो हम उसका वो कर दिया है, कर दिया नहीं सॉरी, वो हम पहुँचने वाले हैं वहाँ, तो घबराहट के मारे ना कुछ भी निकल सकता है अभी, इतनी घबराहट हो रही है सीरियसली, अभी यहाँ पे ना सुई डाल दी जाएगी मेरे गले के अंदर, नहीं डाली जाएगी, चुब्बे क्या होता है तेरे गले में, आप बेमीन वाट क्या डालेंगे ना, वो सुई तो डलेगा ना, पहुँच गए, अरे ये तो है लाइफ लाइन। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लाइफ लाइन के बाहर, तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लाइफ लाइन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल थोड़ी है क्या, ये वो है ना, ये पैथोलॉजी, पैथोलॉजी लैब है क्या, क्योंकि मैं गाड़ी बैक करवाती हूँ फ्रेंड्स, तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है लाइफ लाइन जहाँ पे मेरा टेस्ट होना है ना, इस जगह पे होना है मेरा टेस्ट। तो चलिए मास्क वास्क पहनती हूँ, अंदर पता कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, इसके बाद भी हमारे को बहुत सारे काम है आज निपटाने को, एक दो जगह और जाना, फिर हमारे घर में हल्द्वानी में जो घर है हल्द्वानी वाला, हमारी किराएदार जा रही है तो उनसे भी मिलने जाना है मेरे को। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है, डॉक्टर से मिलते हैं पहले फिर बात करते हैं। इस तरह का है कुछ यहाँ पे, तो चलिए बंद करती हूँ उसको भी फिलहाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी है काफ़ी सारी भीड़, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो मेरा जो डॉक्टर प्रभात पंत है उनसे था अपॉइंटमेंट, तो चलिए देखते हैं आ गए हैं क्या, आएंगे ना अभी, अच्छा तो डॉक्टर साहब है नहीं अभी यहाँ पे, आने वाले हैं अभी, तो वेट करना पड़ेगा, कितनी देर में आएंगे, तो हम दूसरा काम निपटा आते ना, जो डॉक्टर साहब थे वो है नहीं यहाँ पे ना, वो मेडिकल कॉलेज से आने वाले हैं, तो हम लोग क्या कि बाहर को निकले हुए हैं, तो उनका आधा घंटा उनको लग जाएगा मेडिकल कॉलेज से यहाँ तक आने में, तो हम लोग ये हॉस्पिटल के बाहर के एरिया में थोड़ा सा घूम रहे हैं, क्योंकि मौसम ना हल्द्वानी का बहुत ही अच्छा है, बारिश हुई है जिसकी वजह से मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है, तो हम लोग बाहर घूमने में लगे हुए हैं। तो ये अपने एक फ्रेंड है मेडिकल कॉलेज में इनके, मिस्टर दुमका, तो उनको कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो उनसे बात कर रहे हैं ये। अरे हो जाएगा भाई, रास्ता हो जाएगा। हम लोग पी रहे हैं नारियल पानी, पाई का है मेरा, तो हम लोग नारियल पानी पीने के लिए आए हुए, थोड़ा सा आगे आए थे किसी काम से, काम तो हुआ नहीं, तो हम लोग नारियल पानी पीने लगे हैं, तो चलिए देखते हैं। आम दे दे, क्या करो, मैं इसका पाई कम दे मेरा, पाई का दो सौ चार किलो जाएंगे तेरे, मीठे हैं बढ़िया है। तो हम लोग ले रहे हैं, देखिए आम भी लिए हमने और ये हम दो पी रहे हैं नारियल पानी, कहाँ पर नजर नहीं आ रहा नारियल पानी, ये हमारा नारियल पानी है यार, 60 रुपीज़ का, पर है क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इसमें, है ना, कर रहा है जाओ मत मुझे स्टॉप तो सीटी मार रही तो फ्रेंड्स टेस्ट हो गया है मेरा, बहुत पेनफुल टेस्ट था, 2 बज चुके हैं, आधा घंटा हो गया अभी टेस्ट हुए हुए, तो पेन है, इसके बाद शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी अभी,
आज तो कम से कम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन है। आप देख सकते हैं यहाँ से दो बार सैंपल लिया था, एक बार में तो ठीक से निकल गया था, सेकंड टाइम में थोड़ा सा सेकंड सैंपल लेते समय काफ़ी पेन हुआ था। तभी देखती हूँ पेन किलर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, बाय।